तो आज का शॉर्ट हो जाता है ओमकार खिलाड़े, सिंपल लिविंग, स्पोर्ट गाय गेमिंग, सुप्रिया रॉय, खतरनाक वेदांत, फिर टीमो नाइक गेमिंग, रेमन गेमिंग, आई एम संजय, शिवम शाह, सोहन गेमिंग, गेमिंग विद धवल, फिर प्रियांशु यादव, आई एम लेजिट सुभिंग, फिर शिखर सोमानी, फिर सुरीधर यादव, फिर के द गेमर 123 इंचेंटिंग गेमर, उसके बाद मिस्टर स्पाइडी, सचिन गेमिंग, कृष्णा बंसर, भारती शर्मा, योगेश फायर एम गेमर्स, क्रेजी वाई टी, माइनक्राफ्ट गेमिंग, लॉर्ड गेमर्स, अजीत कुमार, यश कराटे, अबिद हुसैन, फिर मिस्टर अली वर्ल्ड, सरिता संजय, डायनामिक प्रिंस गेमर्स, फिर दीव FF, वंश गोयल, पवन पांडे, टेक्निकल गेमर्स, दैजी मेहता, आदित्य रैनक, फिर अनुल हक, विघ्नेश जोशी, विशु घोष, सत्येंद्र रथ, ओनली क्राफ्ट गेमिंग, शिव पटेल, वेरिएशन 18 क्लब, नईम इस्लाम, डिफरेंट शाहिर, अक्षत शर्मा, सुपर सोनिक 50, इंट्रो गेमिंग, मिया गेमिंग, विलेजर 007, फिर राहुल कुमार, अक्षय गेमर। सो थैंक यू कमेंट करने के लिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे माइनक्राफ्ट के एपिसोड में। तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल वर्ल्ड। तो बहुत दिनों बाद मैं इस वर्ल्ड में आया हूँ। तो बहुत पहले मैंने कहा था कि वो आइलैंड से मैं ना मशरूम के काऊ लेके आने वाला हूँ, फिर मैंने सोचा उसकी मेरे को ज़रूरत ही क्या है, मैं वो काऊ को ला के कुछ करने वाला हूँ नहीं, इसलिए मैं छोड़ के आ गया, मेरे को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो काऊ से कोई कुछ ऐसा कुछ फ़ायदा भी नहीं होता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो क्या है कि आज मैंने सोचा था कि कुछ स्पेशल करे, तो मैं है ना कुछ वर्किंग टिकटॉक हैक्स को मैं ट्राई करने वाला हूँ अपने इस वर्ल्ड में, उसको इतनी खुशी तो मतलब अपने वर्ल्ड को बेहतर बनाने के लिए। तो मैंने पहले चेक किया है इसे दूसरे वर्ल्ड में, सारे के सारे वर्किंग करते तभी मैं है ना यूज़ करने वाला हूँ, नहीं तो बेकार का यूज़ करूँ वर्क करे ना, तो फिर फ़ायदा क्या है। और आपको हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल आपको बोर थोड़ी करना है, इसलिए ना जो वर्किंग है मैंने सिर्फ उसी को लिया है। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर देना, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टिकटॉक हैक्स को ट्राई करने के लिए हमको ना एक कुलड्रोन चाहिए होता है। तो मैं सबसे पहले देखते हैं, मेरे पास आयन पड़ा है, तो के साथ आयन पड़ा और कुलड्रोन सात आयन से ही बनता है। तो चलिए सबसे पहले कुलड्रोन बनाते हैं। तो क्या नाम है इसका, इसको कुलड्रोन कहते हैं, ओके। और फिर हमको चाहिए होगा यहाँ से कुछ डाई चाहिए होगा, तो कौन सा डाई लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कोई डाई तो पड़ा ही नहीं है, तो मेरे को डाई ढूंढना पड़ेगा। डाई मैंने रखा किस में, इसमें भी नहीं है, ओके मेरा डाई तो इसके अंदर रहता है। चलिए तो यहाँ पर एक येल्लो है, एक रेड ले लेते हैं और एक वाइट ले लेते, तो काफ़ी सही है। चलिए अब इससे है ना हम पहले ये अपने सारे चीज़ों को हटाते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, और इन सबसे ना हम सबसे पहले डाइस बना लेते सारे के सारे। ये रेड बना, ये वाइट बना, ऑरेंज भी बन सकता है। तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसा भी होता है या नहीं होता। नॉर्मली देख सकते हो ये वाटर को ऊपर में क्लिक कर रहा तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं ना इस कुलड्रोन को लूँ और कुलड्रोन के अंदर मैं है ना वाटर को डालता हूँ, जैसे कि देख सकते हो इसके अंदर मैंने ये वाटर डाला और ये वाटर को मैं कलर कर सकता हूँ। देखिए ये नॉर्मल वाइट कलर है ना, तो इसको करता हूँ तो देख सकते हो ये येलो हो चुका है। तो मतलब ऐसा होता था, मुझे पता नहीं था क्योंकि हम कभी कुलड्रोन को यूज़ करते नहीं ज़्यादा, इसलिए हमको पता नहीं। देख सकते हो येलो कलर का वाटर क्या लग रहा है, ऐसे देखने में ये वाटर नहीं लग रहा है लेकिन ये वाटर ही है। अब देख सकते हो मैं रेड कलर करता हूँ तो देख सकते हो ये है ना रेड, ओके ये रेड नहीं ऑरेंज हो गया, ओके रेड और येलो मिक्स हो गया, ऑरेंज कलर हो चुका है। ऐसा भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो देख सकते हो ये कमाल का वर्किंग टिकटॉक हैक है, जो काफ़ी सही लगता है। इससे हम एक बहुत ही अच्छा रंग बिरंगा चीज़ें बना सकते हैं, मतलब बहुत ही डेकोरेशन का काम कर सकते हैं, बट उसके लिए आयरन चाहिए होगा, वाइट भी होता है, ओके तो वाइट भी होता है, तो ये वाइट कम लग रहा है, वाटर को लेने पे क्या होता है फिर, तो वापस नॉर्मल हो जाता है। लेकिन काफ़ी सही है, देखने में काफ़ी सही लगता है। तो ये था हमारा पहला टिकटॉक हैक जो काफ़ी अच्छा वर्क किया, ओके। और आप बताना कि आपने, आपको ये पता था या नहीं पता था, आप वाटर को भी कलर कर सकते हो। मुझे तो भाई पता नहीं था, मुझे तो ये हैक से पता चला है। तो चलिए अब दूसरे टिकटॉक हैक की तरफ चलते हैं, और जो भी सामान चाहिए मैं फटाफट से कलेक्ट कर लेता, उसके बाद से हम बनाते हैं उसको भी। A few moments later. तो गाइस मैंने सामान तो कलेक्ट कर लिया, लेकिन उसको बनाने हमें ना यहाँ पे बनाते हैं। तो अगर आप है ना एक ऐसा डोर बनाना चाहते हैं जिससे कोई भी अंदर ना आ पाए आपके सिवा, तो फिर आप ये डोर बना सकते हो। तो चलिए मैं है ना इसको यहाँ बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो हमको इस तरीके से एक डोर के लिए बना लेना है। तो अरे यार ये गलत लग गया, सॉरी ऐसा नहीं लगाना है। तो इसको है ना एक और ऊपर से मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे और एक, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, चलो हो चुका है। अब सिर्फ इसके नीचे का ये वाला मतलब ये डर्ट हटाना है, और इसके नीचे का भी ये डर्ट हटा देना है,
और यहाँ पे हमको लगाना है ये गेट, और इसके ऊपर हमको रखना है और एक बंद नहीं करना, इसके ऊपर हमको कारपेट रखना है। तो एक मिनट कारपेट में रख देता हूँ, पहले ओके रख चुका है। तो देख सकते हो इसके अंदर से हम जा ही नहीं सकते, जितना भी कोशिश करें इसके अंदर से हम नहीं जा सकते। तो इसको खोलने के लिए हमको एक चीज़ चाहिए होगा, लीवर तो चाहिए होगा लेकिन एक अलग से हमको एक और चीज़ चाहिए होगा जिसको रेड स्टोन कहते हैं, लेकिन रेड स्टोन कहाँ पर है मुझे फ़िलहाल अभी याद नहीं, मैंने रखा कहाँ पर। ओके यहाँ पर तो नहीं है, तो रेड स्टोन मैं पहले लेके आता हूँ। तो गाइस मैं रेड स्टोन लेके आ चुका हूँ, और इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमको इसको मतलब इस यहाँ पे एक रेड स्टोन का ये डस्ट लगाना पड़ेगा, और इसको वापस से बंद कर देना है, और यहाँ पे लीवर लगा के फिर इसको एक्टिवेट करना है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर से मैं आ सकता हूँ और बहुत ही ईजिली जा सकता हूँ, लेकिन जैसे इसको मैं बंद कर दूंगा तो मैं इसके अंदर चाह के भी नहीं जा सकता, क्योंकि फेंस गेट के ऊपर से या फिर फेंस के ऊपर से हम जा नहीं सकते, आपको तो पता ही होगा। तो ये कारपेट से वो बड़ा हो जाता है, लेकिन खोलने के बाद ये वापस से नॉर्मल हो जाता है। ऊपर से हमको देखने में कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये कैसे वर्क हो रहा है, लेकिन अंदर से पता चल जाएगा। अगर आप इसके ऊपर कारपेट नहीं रखते ना तो वर्क नहीं कर सकता, देख सकते हो हम आ ही नहीं सकते या जा ही नहीं सकते। ये इससे आप मॉब से आराम से बच सकते हो। तो अगर आपको अगर खुला खुला गेट चाहिए होगा तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, इसमें है ना शायद विलेजर भी नहीं आ सकते। तो चलिए ये हमारा दूसरा टिकटॉक हैक है जो काफ़ी सही से वर्क किया। अभी हम चलते नेक्स्ट टिकटॉक हैक की तरफ, और उसके लिए जो सामान चाहिए मैं फटाफट से कलेक्ट करके लाता हूँ और हम वापस बनाते हैं। तो गाइस तीसरा टिकटॉक हैक करने के लिए ना मैंने सारा का सारा सामान कलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले तो जहाँ तक मेरे को पता था, सबसे पहले हमको चाहिए होगा एक कबल स्टोन यूज़ करता हूँ कि लकड़ियाँ यूज़ करता हूँ, ये सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं पहले एक लकड़ी रख देता हूँ, उसके बाद मेरे को इधर खोदना पड़ेगा और इसके नीचे मेरे को लगाना पड़ेगा ये फायर सोल कैम्प, और उसके बाद से मुझे ना वापस से शवल की तरह शवल से इसको बुझाना पड़ेगा। तो मैं इसको बुझाता हूँ, फिर इसके ऊपर मेरे को ये रखना है, फिर इसके एक मिनट मेरे को एक चीज़ और लेके आनी पड़ेगी। एक मिनट उससे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक इस तरीके से रखता हूँ इसको, क्या बोलते हैं इसको पिस्टन को, फिर उसके बाद कहाँ पे लीवर, ओके लीवर नहीं है भाई, मेरे को बनाना पड़ेगा ये रहा लीवर, और मैं इसको यहाँ पे रख के बनाता हूँ। तो ये इस तरीके से हो गया। अब मेरे को इस सब दोनों को तोड़ लेना, इनकी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है। तो ये तोड़ लिया मैंने इसको, और मेरे को एक चीज़ लाना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं भूल गया लाना है, वो है डायमंड। तो इसमें ही रखा है मैंने शायद, ओके एक डायमंड मैंने रखा है जैसा कि मैंने कहा था। तो अब है ना इस डायमंड का हमको क्या करना है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, बहुत ही कमाल का हैक है, इससे हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे चीज़ें कर सकते हैं। ये इक्विप करते हैं और क्राउच होने के बाद इसको पोज करते हैं। तो ये एक मिनट मैं देख लेता हूँ ये कौन सा सही डायरेक्शन है, तो आई थिंक ये वाला सही है। तो एक काम करता हूँ इसके ऊपर मैं ये रख के देखता हूँ, ओके काफ़ी सही है। अब एक काम करना है, अब हमको है ना इधर इसको एक मिनट इसको इस तरीके से रखना है, इधर रखना है। तो ये एक शो पीस के लिए है जो काफ़ी सही है। तो अभी मेरे अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है, पहले मैं और थोड़े से प्लैंक्स बना लेता हूँ। तो एक लास्ट इसके ऊपर रखना है, अब एक काम करना है, अब हमको यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो आई थिंक इतना बहुत है, फिर यहाँ पे मेरे को एक पिस्टन लगाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेरे को एक सी लैल्टन रखना पड़ेगा, लैक्टन जो भी नाम है इसका, फिर एक लीवर की ज़रूरत पड़ेगी, वो लीवर ये रहा मेरे पास, फिर यहाँ पर रखना है और इसको एक्टिवेट कर देना है, और फिर इन दोनों को हमको तोड़ लेना है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये कैसा दिख रहा होगा, काफ़ी सही दिख रहा होगा मुझे भी पता है। और ये सबको कलेक्ट कर लेना है, इनकी अब कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। और चाहे तो मैं इसको पीछे से बंद कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँ ओके कर ही देता, थोड़ा अच्छा दिखेगा ना इसलिए मैं कर देता हूँ, क्योंकि ख़राब नहीं दिखना चाहिए ना। ओके तो देख सकते हो ये एकदम सही हो चुका है, और फ्रंट से कैसा दिखता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक यहाँ पर लगा देते हैं, तो देख सकते हो फ्रंट से कितना अच्छा लग रहा है, एकदम शो पीस के लिए एक डायमंड पड़ा है यहाँ पे, वैसे भी बहुत डायमंड, एक डायमंड यहाँ पे रहेगा तो काफ़ी सही रहेगा। इसके अंदर मैं पैरेट को भी रख सकता हूँ, बहुत कुछ रख सकता हूँ। तो देख सकते हो ये वाला हैक मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें शो पीस के लिए हम कुछ भी रख सकते हैं, एक स्वॉर्ड एक पिकैक्स जो मन करे वो रख सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा टिकटॉक हैक है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। और एक और टिकटॉक हैक है फोर्थ नंबर का, वो बहुत ही ज़्यादा औसम है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बनाऊँ, ये जगह एकदम सही है मेरे ख्याल से। तो चलिए ये सारे के सारे इस चीज़ को हटाते, ये जितने भी ये क्या नाम है इसको फ्लावर्स इसको हटाते फिर बनाते, सामान तो मैं कलेक्ट करके ही आ चुका हूँ। तो चलिए इसको फटाफट हटाता हूँ। तो गाइस हमारा चौथा टिकटॉक है कि यहाँ पे बनाने वाला हूँ। तो चलिए, और कुछ लोगों को शायद से पता चल गया होगा, लेकिन जिनको नहीं चला है उनके लिए काफ़ी सही है, उनको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो इसके ऊपर मुझे रखना है ये आर्मर का स्टैंड, तो इस तरीके से रख देना इसको, और उसके बाद यहाँ पे ओके कहीं तो ओके ये रहा, तो रेड स्टोन टॉर्च की ज़रूरत पड़ेगी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रेड स्टोन डस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक चीज़
शायद इस तरीके से करना होता है, देख लेता हूँ पहले मैं। तो नहीं इस तरीके से नहीं, ये थोड़ा उल्टा लग चुका है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक। तो इसको तोड़ के मुझे वापस से सही करना पड़ेगा। तो शायद इस तरीके से लगता है, एक यहाँ पे और एक लगेगा यहाँ पे और एक लगेगा यहाँ पे और एक डस्क लगेगा यहाँ पे। तो अब एकदम से ये देख सकते हो एकदम डांसिंग रॉबोट बन चुके हैं, जो काफ़ी सही डांस करते हैं। अब बस मुझे इनको आर्मर पहनाना है, जो कि मैं अभी लेके आया। मेरे पास बहुत सारे डायमंड के आर्मर है, तो मैं ना सारे के सारे डायमंड को ही पहनाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि मैंने फ्री में खरीद लिया है। तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और देख लेता हूँ पहले मैं। तो और तो कोई भी मतलब मैं और कुछ पहनाना तो नहीं चाहता। ये बूट भी है, लेकिन मैं इसको बाद में कभी पहनाऊंगा, तो पहले इसको पहना देते हैं। तो मैं ये लेके आ चुका हुआ है ना, इधर इक्विप का ऑप्शन आएगा, ये रहा, और एक पैंट को पहनाना है। इनको इतना पावरफुल मैं क्यों पहना रहा हूँ पता नहीं, बट चलो कोई बात नहीं, ये रख दिया। इनको स्वॉर्ड वॉर्ड भी दे सकता हूँ ना, तो इनके लिए स्वॉर्ड या पिकैक्स ऐसा कुछ लेके आता हूँ। तो मेरे ख्याल से स्वॉर्ड लेके आना चाहिए, तो मतलब स्वॉर्ड ही इनके लिए सही है। तो ओके, तो एक को डायमंड का दूंगा और एक को कुछ और दूंगा, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा शायद से। दोनों को किसका दूँ, एक काम करता हूँ दोनों को इंचेंटेड वाला ही देता हूँ भाई, लूटिंग वाला और मेंडिंग वाला दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा भाई अमीर। चलो कोई बात नहीं, और कुछ और दे सकते, एक मिनट, गोल्ड है मेरे पास, गोल्ड तो नहीं है, नहीं तो मैं ना गोल्ड के इनके लिए बूट वूट बना देता। तो मैंने है ना अपने वो वाले घर में रखा तो है गोल्ड के चीज़ें, मतलब बहुत सारे डायमंड के भी चीज़ें, तो शायद वही लेके आना चाहिए मेरे को। तो ये रहा इक्विप और ये रहा इक्विप। ओके मेरे को डैमेज तो नहीं देते ना, ओके मेरे को तो नहीं डैमेज देते, काफ़ी सही है। काम करते हैं वहाँ से, जो मेरे जो क्या बोलते हैं यार उसको, आर्मर वार्मर है ना, तो हेलमेट और बूट लेके आ जाते हैं, क्योंकि उनको है ना यहाँ पे लगाएंगे, देखने में काफ़ी सही लगता है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा सही ये वाला ब्रिज लगता है, जो काफ़ी ज़्यादा ओपी बना है। तो चलो मैं है ना गोल्ड के और बूट सब कुछ लेके आ चुका हूँ। और मैंने एक पोस्ट किया था कि आपको एमरल्ड फार्म चाहिए या नहीं चाहिए, तो सर्वाइवल का एकदम एफिशिएंट एमरल्ड फार्म लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत ही कम रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा एमरल्ड, आपको 500-500 एमरल्ड ऐसे तो बहुत ही आराम से मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो बता देना कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए, उसका एक ट्यूटोरियल लाऊंगा। तो पहले ये देते इसको और ये भी देते हैं, उसके बाद इसको भी मैं ये देता हूँ, और उसके बाद ये पैंट नहीं बूट्स देता हूँ। तो देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है, पूरा डायमंड का होता तो सही है, बट डायमंड पड़े हैं। लेकिन मैं ना चाहता नहीं हूँ कि अपने बीकन में से निकाल के इनको दूँ, पर ये देखने में काफ़ी सही लग रहा है। और एक के पास डायमंड का है और एक के पास ये वाला स्वॉर्ड है, तो कोई बात नहीं, इनको मेरे को लगता है कि इनको भूरा भूरा तो लगेगा नहीं, तो रहने देते हैं। तो आज बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि आज मैंने बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैक्स ट्राई किए। मेरा सबसे फेवरेट हैक्स ये है, जिसमें ना हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को इस तरीके से शोपीस में रख सकते हैं, जो देख सकते हो काफ़ी सही लग रहा है। ये थोड़ा सीधा नहीं हो सकता यार, और हाँ मैं और ये वाला भी काफ़ी सही लग रहा है, देख सकते हो काफ़ी खतरनाक डांस करता है। मेरे ख्याल से आपको इसके बारे में तो पता होगा, लेकिन कमेंट में बताना कि आपको इन चारों में से कौन से हैक के बारे में पता नहीं था, तो मेरे को पता चले ना कि आपको क्या पता था या क्या नहीं। तो चलिए आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप आज को आज के हैक्स आपको पसंद आए हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए माइनक्राफ्ट के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।